बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। cot of alpha plus beta is equal to cot alpha cot beta minus 1 is divided by cot alpha plus cot beta। और हम जानते हैं cot जो है वो 1 over tan theta है, तो हम इस तरह से करेंगे 1 over q स्टार्ट इस तरह करेंगे 1 over tan alpha plus beta। तो स्टूडेंट कोई इशू नहीं है, अब हम tan का फार्मूला लगा देंगे। अब tan का जो फार्मूला है वो आएगा 1 over आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। क्लियर हो गया? फिर उसके साथ ही देखें, ये 1 है डिवाइडेड बाय, ये इसका डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर को अगर हम उल्टा कर लें यानी कि रिवर्स कर लेंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको जरा समझा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक तकसीम ये वाले रकम है, ठीक है जी, हम कहते हैं एक तकसीम ये वाली रकम tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इस तकसीम को रिवर्स करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आप पहले क्लासेस में भी करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन होगी ये रिवर्स हो जाती है, या आएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा, यानी ये रिवर्स हो गई, ये रिवर्स हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। ऊपर वाले रकम नीचे आ गई, नीचे वाले रकम ऊपर चली गई, सही है। ये मैंने आपको समझाने की गलती किया, ये जरा वर्किंग कर लेना, जल्दी नोट करें, इसको मैंने मिटा देना है। और इसको मिटाने के बाद मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगा, आप स्टूडेंट्स 1 माइनस, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वही रहा ना, 1 माइनस tan अल्फा प्लस tan बीटा। One minus tan alpha tan beta plus नहीं आता जी, ये tan का है, sorry tan alpha tan beta, ये और ऊपर वाला tan alpha tan beta में से plus समझ लिया था, sorry 1 minus tan alpha tan beta, ठीक है, divided by tan alpha plus tan beta। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? tan alpha प्लस tan बीटा, क्लियर। अब क्योंकि ये tan आ चुका है, अब हम इसको cot में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 1 ओवर cot कर लेंगे, इसको भी 1 ओवर cot कर लेंगे, और नीचे वालों को भी 1 ओवर cot कर लेंगे, क्योंकि हमने cot की तरफ जाना है। अगर हम tan का इनवर्स लें तो cot आता है, हमने फार्मूला लगा लिया, फार्मूला को सीधा भी कर लेंगे, वर्किंग है, इसको मैंने अभी मिटा देना स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसे सारा नोट कर लें, नो प्रॉब्लम, कर लीजिएगा बस पॉज करके, गुड। अब मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि मैं समझाने के लिए लिखा था बस, और समझ भी आपको आ गई कि हमने जब इनको बस मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले रकम नीचे नीचे वाले ऊपर आ गई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगी तो ये आएगा, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है, फिर हमने किया है। अभी इसको आगे चलाएंगे, 1 माइनस 1 ओवर cot अल्फा, 1 माइनस 1 ओवर cot अल्फा, बिल्कुल ठीक, 1 माइनस 1 ओवर cot अल्फा इंटू 1 ओवर cot बीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर cot अल्फा, सेम इसका भी, ये प्लस ये वाला, ये tan बीटा है तो 1 ओवर cot बीटा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं इस तरफ, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इस 1 को 1 ओवर 1 कर लेते हैं ताकि फ्रैक्शन क्लियर हो जाए। यहां जो एलसीएम आएगा इधर, ये आएगा cot अल्फा cot बीटा। स्टूडेंट्स नीचे वाले रकम में जो आएगा एलसीएम वो आएगा cot अल्फा cot बीटा, यानी इधर भी एलसीएम ही आ गया, इधर भी आ गया। अब cot अल्फा cot बीटा को 1 में डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा cot अल्फा cot बीटा, वही आ जाएगा। अब cot अल्फा cot बीटा को जब आप डिवाइड करोगे cot अल्फा cot बीटा पर, इस पर cot अल्फा cot बीटा पर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये एक ही समझ लेना, ये एक ही है तकरीबन, ठीक है, इसको एक ही समझ लेना, वन नहीं होगी क्योंकि कठिन है, मल्टीप्लाई करते हैं ना एक दूसरे से, क्या हो गए थे एक दूसरे से मल्टीप्लाई। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म,
गिवन है। अब cot alpha को cot beta पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा minus one में। ओके, फिर इसी तरह से cot alpha cot beta को इसपर डिवाइड करेंगे cot alpha cot beta cot alpha से कट जाएगा तो इधर आएगा cot beta, क्या आएगा cot beta। फिर cot beta को cot alpha cot beta को cot beta पर डिवाइड करेंगे cot beta cot beta से कट जाएगा क्या आएगा plus cot alpha। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से काट दिया तो आंसर हमारा आ गया cot alpha cot beta minus one डिवाइडेड बाय ये cot alpha plus cot beta रेंज आ गया। हमने cot alpha plus cot beta की टू हो चुका है स्टूडेंट, देखें हमने जब इसको सॉल्व किया तो अल्टीमेटली आंसर आपका निकला है, सही है। cot alpha cot beta minus one cot alpha plus cot beta कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूला को मद्देनजर रखना है और रूल्स को ब्रेक नहीं होने देना और आपने जहन को दुरुस्त रखना है, कॉन्सेंट्रेशन से क्वेश्चन करना है, अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। स्टूडेंट अगर अगला क्वेश्चन देख लो सेम है तो गिवन, मैं इसलिए अभी आपको नहीं कहूंगा कि खुदा हाफिज। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्यों है स्टूडेंट, cot of alpha minus beta यानी ये cot of alpha plus beta था। अगला क्वेश्चन है cot of मैंने दूसरा alpha minus beta और आगे cot alpha cot beta plus one, ठीक है, इसके इक्वल है और cot beta minus cot alpha यानी cot alpha minus cot beta। सिर्फ सारा क्वेश्चन यही है जो वन है, सिर्फ ये है कि इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो स्टूडेंट अगला जो सेवन का पार्ट टू है मैं पूरी उम्मीद करता हूं जिसको ये समझ आई है उसको सेवन के पार्ट टू की भी 100% समझ आ गई होगी और वो क्या करेगा, डिफरेंस क्या है कि यहां प्लस भी अल्फा माइनस प्लस बीटा था पार्ट का, यहां अल्फा माइनस बीटा है पार्ट का, बाकी वही है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है सेवंथ का ये अपने इख्तिताम को जा पहुंचा। थैंक यू, खुदा हाफिज।